5 अगस्त 1960 एक तारीख जो हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई। इसे ये रुतबा हासिल हुआ कि इस तारीख को रिलीज हुई थी हिंदुस्तानी सिनेमा के इतिहास की संगे मील शाहकार फिल्म मुगले आजम। एक फिल्म जिसका जादू 60 बरस बाद आज भी सर चढ़कर बोलता है। आरज़ू एक कमीज है तो सारी जिंदगी इसी तरह जब्त करना होगा। या परवरदिगार आलम से आपने मुझे इसीलिए मांगा था कि जिंदगी मुझे मिले और उसके पाने का। एक कनीस जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को अपना खून माफ करती है। अब यानी पूरे 60 बरस बाद आती है एक किताब, दास्ताने मुगले आजम। इस फिल्म और इस फिल्म से जुड़े हर शख्स की कहानी कहती किताब दास्तान मुगले आजम। यह दास्तान जमानत है इस बात की कि जब जब इस दुनियाए फानी में कोई इंसान के आसिफ की तरह अपने काम को जुनून की हदों के भी पार ले जाएगा तो इश्क मजाजी को इश्क हकीकी में तब्दील कर जाएगा। उसकी दास्तान को भी वही बुलंद और आला मकाम हासिल होगा जो आज मुगले आजम को हासिल है। दास्तान मुगले आजम महज फिल्म मुगले आजम के बनने की दास्तान नहीं बल्कि आसमानों से चांद तारे तोड़ लाने की दास्तान है। यह लाजवाल दास्तान एक आशिक की कामयाब मोहब्बत की दास्तान है। के आसिफ ने हमें मुगले आजम दी तो आसिफ की दास्तान सुनाने के जुनून ने एक और आसिफ पैदा कर दिया है। इस आशिक और आसिफ का नाम है राजकुमार केसवानी। इस किताब का हर पन्ना और हर पन्ने का हर किस्सा एक नए सीन की तरह शुरू होता है और अगले सीन के आने से पहले खत्म हो जाता है। इसे पढ़ते हुए आप एक बार फिर से कई आसिफ को देखने लगते हैं, मुगले आजम को बनते हुए देखने लगते हैं। दास्ताने मुगले आजम बेमिसाल, लाजवाब, वाह वाह। जितनी बेशकीमती फिल्म बनी थी उतना ही कीमती है यह ऐतिहासिक दस्तावेज। इसमें अगर 15 नहीं बल्कि 25 बरस भी लग गए होते तो कम थे। मुझे नहीं लगता कि किसी एक फिल्म को लेकर इतना शानदार दस्तावेज किसी और ने कभी पेश किया था या कि करेगा। MF हुसैन की नायाब पेंटिंग्स और नायाब तस्वीरों से सजी और फिल्म के बनने की हर सुनी अनसुनी कहानियों की गूंज से भरी ये किताब महज एक किताब नहीं, एक दस्तावेज है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज। Amazon, Flipkart और आपके नजदीकी किताब की दुकान पर उपलब्ध है।